हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पे हैं और यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्स माइनस का 2y इक्वल टू में 4, और दूसरा इक्वेशन दिया है माइनस का 3x प्लस का 5y इक्वल टू में -7। हम लोग क्रेमर्स रूल से जानते हैं हमें यहाँ से क्या लेना होगा, डी लेना होगा। डी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा इनके एक्स और वाई के कोफिशियंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 1 -3 -2 5। कॉलम में ना रखा जाता है जी इनके एक्स के कोफिशियंट और वाई के कोफिशियंट को, ठीक है। आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकाल के देख लो, तो हो जाएगा 5 और माइनस का 6 -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तभी आप आगे का प्रोसेस करना, ठीक है, नहीं तो क्रेमर्स रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। अब इसके बाद देखो हम लोग को क्या निकालना होगा, d1 और d2। d1 होता क्या है, तो d1 इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो आप d का वैल्यू देख रहे हैं इसमें x वाले कोफिशिएंट को हटा कर यहाँ ये कॉन्स्टेंट देने होंगे, 4 माइनस का 7 और यहाँ पर -2 5, ठीक है। अच्छा d2 क्या हो जाएगा आपका, d2 क्या होगा, तो डी का जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट वाला देख रहे हैं ये ना, तो इसमें क्या करना होगा, ये सेकेंड कॉलम को हटाकर इसके जगह पे यानी कि वाई के कोफिशिएंट को हटाकर यहाँ कॉन्स्टेंट को लेना होगा, 1 -3 और यहाँ हो जाएगा आपका 4 -7। तो d1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, 20 -14 यानी आ जाएगा यहाँ पर 6। और d2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 12 यानी कि आ जाएगा यहाँ 5। तो हमें निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू होता है d1 / d यानी हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 / -1 यानी -6 हो गया x का वैल्यू। और y का वैल्यू निकालना है तो d2 / d यानी आ जाएगा आपका 5 - 1 यानी -5। तो x का वैल्यू हो गया आपके पास -6 और y का वैल्यू हो गया यहाँ -5। समझ गए, चलिए चलिए।